अपने मनपसंद सीरियल्स देखने के लिए अल्ट्रा टीवी सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। जो दुश्मनों के रंग उड़ाए, जो उलझनों को सुलझाए, जो राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। दोस्तों, मेरे भाइयों, माँ बापों, आप सब लोग की वजह से मदारी की चलती है जिंदगी, उसका भरता है माई बाप लोग पेट। बंदर को मत समझिएगा कि कोई जानवर हैगा, बंदर हैगा हमारी खुराक, हमारी जिंदगी चलाने वाला हमारा माई बाप। लगता है आचार्य ने जो बताया था ना राजा रंचो के बारे में, ये वही लोग को है या? मुझे भी वैसा लगता है। चलो, यही मौका है इन लोगों को सबक सिखाने का। आओ तो फिर पब्लिक को भड़काओ। अरे हाँ, चलो यार। देख लो माई बाप, एक इशारे में कर देता है काम। आदमी का बच्चा भूल जाता है बात कह के, भूल जाता है अपनी जात को, लेकिन जानवर नहीं भूलता हैगा। मत बनो किसी के गुलाम। ये देखो ए, चुप। गाँव वालों, मुझको तो लगता है ये बच्चे को उठाने वाला आदमी आया है। मुझे भी इसका इरादा गलत लग रहा है। आप कह रहे हो, बच्चे को उठाने का इरादा है क्या तेरा? मारो साले को। मारो 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 मारो। अरे रुक जाओ, कौन मारेगा? आइए मैं एक बात बताता हूँ तुम लोगों को कि मैं वाकई कोई मदारी नहीं हूँ, लेकिन मैं बच्चे उठाने वाला कोई चोर ग्रहकट कातिल भी नहीं हूँ। तुम्हारे गांव से जिन लोगों ने भी बच्चे उठाए हैं, उन लोगों को पकड़ने के लिए मैं आया हूँ। आप लोग जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ? मैं हूँ प्राइवेट जासूस राजा, जो आप सब लोगों की मदद करने के लिए मुंबई से यहाँ आया है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरी मदद कीजिए। दरअसल मैं सबसे पहली परेशानी तब शुरू हुई जब आपके गांव से पहला बच्चा गायब हुआ। अगर उसी वक्त सब लोग सतर्क हो जाते, सावधान हो जाते, तो इस तरह की परेशानी कभी भी जन्म नहीं लेती। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं उस जालिम को पकड़े बिना चैन की नींद नहीं सोऊंगा। मैं और मेरा दोस्त रैंचो, और ये भी मैं जानता हूं कि वो जालिम इंसान आप लोगों में से ही कोई है, या आप ही के गांव वाला कोई इंसान है जो सफेद पोश है, जो छुपा बैठा है कहीं। मैं निकाल कर लाऊंगा उसको, चाहे मुझे पाताल में भी क्यों ना जाना पड़े। Thank you.
आया वैजन लोग आया चलो जल्दी जल्दी कौन सा लड़का पसंद है सब आपको ये ठीक ये चलेगा कितने पैसे दोगे इसके 50,000 रुपए दो कमाल कर दे साहब 50,000 हमें तो 3 लाख चाहिए 3 लाख नहीं नहीं बहुत ज्यादा है मैं इतना नहीं दे सकता मेरे दूसरे भी तो खर्चे हैं 2 लाख से कम तो नहीं लेंगे साहब कुछ एडवांस लाए हो चलो ठीक एडवांस भी दे देता हूँ ये लो 50,000 रुपए हैं ये लो और हाँ 28 तारीख को इसे लेकर रामपुर गांव के पास जो नंद गांव है उसके फाटक पर पहुंच जाना मैं बाकी की रकम वहीं दे दूंगा ओके अबे चुप जाएगा नहीं बोलता है रेंचो ये हमारे लिए एक बहुत ही अजीब स्थिति है कि हम बच्चों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं जबकि मैं वो धुन बार बार बजा रहा हूं जो चंदू ने अपनी बहन रत्ना को सिखाई थी और रत्ना ने हमें बताई थी लेकिन या तो ये धुन उन बच्चों तक पहुंच नहीं पा रही है या फिर वो इस स्थिति में है कि हमारी धुन का रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं लेकिन वो आदमी है कौन कौन है वो आदमी जिसने इन मासूम बच्चों को अगवा किया है नासूर बन गया है वो हमारे समाज के लिए और जब शरीर का कोई हिस्सा नासूर बन जाता है तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए नहीं मिलेगा रेंचो जरूर मिलेगा और मैं वो गद बनाऊंगा उन लोगों की कि उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा धुन तो मेरी दीदी बजा रही है मेरी बहन आ गई सुन रहे हो ना तुम सब ये धुन मेरी दीदी ही बजा रही है ये धुन तुमने बंटी को सिखाई दिया चंदू हाँ इकबाल चलो हम सब एक काम करते हैं हम सब मिलके सीढ़ी बजाते हैं हाँ चलो सब लोग मेरे जैसी सीढ़ी पे जाओ रेंचो, रेंचो तुमने सीटी की आवाज सुनी मुझे लगता है चलो मैं इधर देखता हूं आओ अरे जाने दो उस्ताद कल तो परदेश जा रहा है चलो छोड़ो परदेश जा रहा है परदेश जा रहा है रेंचो तुमने वो आवाज सुनी थी ना सिटी की हमने सब जगह ढूंढ लिया रेंचो लेकिन मुझे लगता है बच्चे यहीं कहीं बंद हैं और वो सिटी की आवाज भी बदमाशों ने जबरदस्ती बंद करवा दी ताकि हम उन तक ना पहुंच सकें तुम एक काम करो रेंचो हाँ ये सब मैं करता हूँ तुम एक काम करो तुम रात को यहाँ आओ और पता लगाओ कि बच्चे यहाँ किस जगह हैं हाँ चलो मैं रफीक मियाँ
मैं कितनी देर से बैठा हुआ हूँ, शराब तो ले आओ। साहब साहब लगा रखी है, एक से क्या होगा हमारा, बोतल ले आओ। अपन को तो बस हो गया शिवा यार। क्या बात करता है, अरे और लाओ यार, और पी यार आज। अरे अपुन के पास पैसा नहीं शिवा यार, अपुन का जेब एकदम कड़का है आजकल। हाँ ये देख कितना पैसा है मेरे पास, कितना चाहिए बोल। अरे शिवा इतना पैसा कहाँ से लाया रे तू? हाँ अरे शिवा बहुत जल्दी बहुत बड़ा अमीर बनने वाला है, फिर देखना विलायती शराब होगी और तंदूरी चिकन सब कुछ होगा। अरे यार तू फिर से कोई चक्कर में तो नहीं पड़ गया ना? तेरे पीछे पुलिस भी पड़ सकती है, वो डिटेक्टिव राजा भी तेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे पुलिस या डिटेक्टिव राजा, मैं किसी से डरता नहीं। अरे ऐसा मत बोल यार। क्या भाईजान? कौन है भाई साहब? ताकत आ रही है कि आप उनके साथ बाहर चलो, बताएगा आपको कौन है। तुम कौन है रे भाई? मैं कौन हूँ ये अभी बता देता हूँ, चलो अपन के साथ बाहर। चलो अपना अपना काम करो, कोई बात नहीं, चलो सारे चल खड़ा हो जा। खड़ा हो जा चल। मैंने नहीं देखा। हेलो चंदू, वो लोग बेजी होंगे। चंदू वापस कभी नहीं आएगा। इसका मतलब एक ना एक दिन वो हमें भी भेज देंगे, फिर अपन अपने मम्मी पापा को नहीं मिल पाएंगे। रो मत पिंकी, राजा और रिंजू हमें छुड़ाने आ गए हैं। लेकिन उन्हें हमारा पता किससे चलेगा? चंदू होता तो सीटी बजाता था। क्यों चंदू, हम नहीं बजा सकते सीटी? हाँ हाँ तुम सही बोल दो, चलो हम सीटी बजाएंगे। अरे हाँ ये तो हनुमान जी है, हनुमान जी हमें छुड़ाने आ गए हैं। कौन हो तुम? जैसे मीमला दीदी बता रही थी तुम हमें छुड़ाने आए हो। तुम हनुमान हो ना, तो राम कहाँ है? बच्चों मैं राजा डिटेक्टिव तुम्हें यहाँ से आजाद कराना चाहता हूँ। जिस जगह पर तुम लोग हो अगर वहां की कुछ जानकारी तुम इसी कागज पर लिखकर रेंचो को दे दो तो मैं तुम्हें बदमाशों के चंगुल से आजाद करा लूंगा। लेकिन इस जगह का नाम क्या है? लेकिन हमें इस जगह का पता नहीं मालूम, अब हम क्या करें? वीरू तुम्हें तो इस जगह का पता मालूम है ना, चलो लिखो जल्दी। चलो हट जाओ यहाँ से, चलो हट जाओ, सब एक जगह खड़े हो गए। चलो अरे ये बंदे कहीं आ रहा है अंदर, ये कौन है इसको? बच्चों को भगाने के षड्यंत्र के बारे में तुम क्या जानते हो? मुझे कुछ नहीं मालूम है। पाटिल अरे रेंचो का सिग्नल, मैंने उसे अड्डे की तलाश में भेजा था, लगता है वो सही जगह पर पहुंच गया है। चलो पाटिल चलो आओ मेरे साथ।
बस बच्चों, बस छोड़ दो। बस बच्चों, बस आ जाओ पीछे। मेरे ख्याल से इस कमीने के लिए सारी जिंदगी भर के लिए काफी होगा। वेल डन रंचो, आप खड़ा जाओ। ये बच्चों को घर से भगाने के लिए और ये इन बच्चों को मिडिल ईस्ट भेजने के लिए और ये मैं तुम्हारे जज्बा समझता हूँ, लेकिन बाकी काम अब कानून करेगा। कानून तो करेगा इंस्पेक्टर पाटिल, लेकिन मैं इस कमीने से इतना पूछना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को इसने अपाहिज बनाकर भीख मांगने पर मजबूर किया, अगर मैं इससे अपाहिज बना दूं तब तब आजा हट। आराम इंस्पेक्टर पाटिल। हाँ, इन इन तमाम बच्चों में चंदू नजर नहीं आ रहा। क्या चंदू किधर है बच्चों? चंदू कहाँ है? चंदू उसे बेच दिया गया है। क्या? हाँ राजा साहब, आचार्य उसे ले गए हैं। वो नंदगांव जाएंगे, वहाँ रेलवे फाटक के पास 6 बजे वो चंदू को पंकज सिन्हा को दे देंगे। आप प्लीज जल्दी जाइए, उसे छुड़ा लाइए। आचार्य, इंस्पेक्टर पाटिल, अब हमें एक मिनट भी जाया नहीं करना चाहिए, हमें फौरन वहां चलना चाहिए। हाँ रंचो, तुम बच्चों का ध्यान रखना। चलो इंस्पेक्टर, कम ऑन। यस सर। इंस्पेक्टर कल्याण सिंह। यस सर। सब गाड़ियों को ठीक से चेक कर रहे हो ना? यस सर। तो फिर चंदू कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे धर्मपुर में कहीं छुपा कर रखा हो? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि आज शाम को 6 बजे उसे नंदपुर गांव में किसी को देने का सौदा हुआ था। इसका मतलब है वो जरूर उसे धर्मपुर से नंदपुर गांव ले जाएंगे। इंस्पेक्टर। यस सर। आर यू श्योर आप हर गाड़ी को ठीक से चेकिंग कर रहे हैं? कोई भी गाड़ी बिना चेकअप के यहां से नहीं गई? ये एक गाड़ी गई सर। किसकी गाड़ी? आचार्य धर्मदास जी की। कौन सी गाड़ी? मेटाडोर। मेटाडोर? ऑफिसर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब तुम्हें ये ऑर्डर्स मिले हैं कि यहां हर गाड़ी को चेक करके भेजो, तो तुमने आचार्य की गाड़ी को क्यों जाने दिया? सर वो क्या है कि वो क्या है से काम नहीं चलता इंस्पेक्टर कल्याण सिंह। तुम्हें मेरी गाड़ी भी चेक करनी चाहिए, और मेरी ही नहीं बल्कि अगर किसी मंत्री की गाड़ी भी यहां से गुजरे तो तुम्हें उसे भी चेक करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल एक मासूम बच्चे की जिंदगी का है। लगता है वो आ गया है। देखो पैसे ठीक से चेक कर लेना, जाओ। हाँ जी सर। क्यों बच्चा लाए हो? माल लाए हो? हाँ ये रहा पूरा 1.5 लाख रुपए। मैं नहीं जाऊंगा आचार्य जी, प्लीज मुझे मत भेजो। मैं नहीं जाऊंगा आचार्य जी, मैं जाऊंगा। फिक्र मत करो चंदू, आज अंकल इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। अब मैं आ गया हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। रो ओप साहब, चंदू तुम ठीक हो ना? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया राजा तुम जो तुम यहाँ आ गए। चंदू के साथ ये लोग तुझे भी बेच रहे थे। अरे जिसने अपना जमीर बेच दिया हो उसे कोई क्या बेचेगा आचार्य? आचार्य अब तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। नहीं, तुम क्या बोल रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये झूठ बोला है, ये झूठ बोला है राजा अंकल, यही हमें बेचने जाता था। नहीं नहीं आचार्य, बिल्कुल नहीं। लेकिन इतनी आसानी से मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, वो दुर्गत करूंगा तेरी के तेरे फरिश्तों की आत्मा भी कांपने लगेगी। चल चंदू,
देखा दादी कितना समझदार है मेरा रंजो, सामान लेकर गाड़ी तक पहुंच गया है। अच्छा दादी मैं फिर धर्मपुर आ जाऊंगा। जीते रहो। पर अभी मुंबई जाने की कोई जल्दी है क्या? अरे दादी धर्मपुर का केस तो सॉल्व हो गया, अब मुंबई के केस भी तो सॉल्व करने हैं ना। अच्छा तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम चलो ना मेरे साथ मुंबई, वहीं रहना मेरे साथ। शादी करोगे तब आओ। फिर से चली मेरी दादी की गाड़ी, छुक छुक देखो शादी वाली। दादी मेरी प्यारी दादी अभी बहुत सारे काम है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए अभी शादी नहीं कर सकता। शादी करूंगा तो अपनी दादी की पसंद की लड़की से ही करूंगा। हाँ चल हट। अच्छा दादी चलता हूं। जल्दी आ। हाँ दादी जल्दी आऊंगा।